हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी रिटर्न फाइल करने का सबसे आसान तरीका। ये जो प्रोसेस है टिल डेट तक बिल्कुल लेटेस्ट है, इसमें कुछ लेटेस्ट चेंजेस भी आए थे वो भी इस वीडियो में मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं। चलिए चलते हैं अपने जीएसटी पोर्टल पर जहाँ पर मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो को पूरा आपको एंड तक ही देखना है। अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स या जरूरी चीज़ें हो सकती हैं वो स्किप रह जाएं और आपको कोई बाद में परेशानी भी हो सकती है अगर कोई नोटिस आ जाता है तो। इसलिए पूरा एंड तक और ध्यान से देखिएगा। ये हमारा जीएसटी का पोर्टल हो गया www.gst.gov.in। इस पर ही आप यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, मतलब अभी आपने नया रजिस्ट्रेशन लिया है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम लॉगिन वाली फैसिलिटी से अपने पासवर्ड को सेट कर लेंगे। यूजर नेम जो होता है वो हमेशा सेम रहता है, पासवर्ड है वो टाइम टू टाइम आप जो है चेंज भी कर सकते हैं। ये वाला पूरा प्रोसेस आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल में आपको एक सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर राइट क्लिक करते हुए आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप व्यू, उस पर आपको क्लिक करना है। मतलब ये जो जीएसटी की रिटर्न है ये पूरी फुल प्रोसेस के साथ आप मोबाइल से कर सकते हैं। आपके पास सेल्स के डिटेल्स होना जरूरी है और परचेज की डिटेल्स होना जरूरी है, जो कि हम यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमने रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे मंथ, किस मंथ के लिए फाइल करेंगे। तो मैं लेटेस्ट यहाँ पर जुलाई मंथ के लिए आपको बता देता हूँ तरीका, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस भी आए हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे GSTR1। हमें मंथली दो रिटर्न यहाँ पर फाइल करनी होती है, GSTR1 एंड GSTR3 भी, जब तक आपने QRMP स्कीम ना ली हो। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट और नया तरीका है। अब मैं यहाँ पर GSTR1 पर क्लिक कर रहा हूँ। इसमें यहाँ पर मुझे कुछ टैब्स दिखाई देंगी, तो पहले आप समझ लीजिए सारी टैब आपके यूज की नहीं है, ठीक है। और अगर आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो सिंगल यहाँ पर क्लिक करिएगा, नील रिटर्न डायरेक्ट फाइल हो जाएगी। बट मैं यहाँ पर नील नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ कि एक एक इनवॉइस कहाँ कहाँ पर कौन सी वैल्यू आपको एंटर करनी है। दूसरा, अगर आपने प्रीवियस मंथ में कोई रिकॉर्ड एंटर किया था उसको आपको अमेंड करना है, मतलब कोई चेंज करना है, तो GSTR1 में अलाउड है। यहाँ पर उसके लिए रेलिवेंट टैब दी गई है, ये हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो इनवॉइस, अगर आपने आपके ऊपर यहाँ पर इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी आती है और आपने इनवॉइस जारी किया इनवॉइस पोर्टल के थ्रू, तो उनकी यहाँ पर हिस्ट्री आपको दिखाई देगी। बट इस केस में अप्लाई नहीं है तो यहाँ पर हमें कुछ भी शो नहीं करेगा। चलिए, सबसे पहले हमें समझ लेना है कि सारे टैब हमारे लिए नहीं है। मैं इस वाली वीडियो में ये भी कवरेज करूंगा कि कौन सा टैब किसके लिए रेलिवेंट है। सबसे पहले ये वाला टैब की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर भी जब आप यहाँ पर ड्रैग डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। अब यहाँ पर वैल्यू रेलिवेंट नहीं है, आपकी सप्लाई 10 रुपये की है, 100 रुपये की है, 100 रुपीज़ की है, या मतलब कितने लाखों में करोड़ों में कुछ भी वैल्यू है, बट आपका जो सामने वाला वेंडर है जिसको आपने सप्लाई की है आउटवर्ड सप्लाई, उसके पास भी जीएसटी नंबर है। तो जीएसटी नंबर अगर है तो उसकी डिटेल यहाँ पर एंटर होगी। इसके जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिसिपिएंट वाइज हमें काउंट करना है, तो ऐड रिकॉर्ड पर यहाँ पर क्लिक करना है। अलग अलग रिसिपिएंट की वैल्यू अलग अलग एंटर करनी है, मतलब कि जो वैल्यू आप एंटर करेंगे वो 1 by 1 बिल के हिसाब से यहाँ पर एंटर करनी है इस वाली टैब में। जब मैं नेक्स्ट टैब की बात करूंगा तो वहां पर मुझे 1 by 1 बिल एंटर नहीं करना है, यहाँ पर 1 by 1 आपको बिल एंटर करना है जो भी रिसिपिएंट है। अब उसका हम यहाँ पर जीएसटी नंबर डालेंगे तो उससे क्या होगा, जो ये ऊपर वाले जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी भी आ रही है, तो वेंडर के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है। अब मैं यहाँ पर एक जीएसटी नंबर आपको लिख के दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने वैल्यू एंटर की, अब यहाँ पर वैल्यू एंटर करने के बाद उसकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली दिखाई देंगी। एक चीज का यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने जो जीएसटी नंबर यहाँ पर यूज किया है तो 07 ये दिल्ली का स्टेट कोड है, और हमारा भी, मतलब जिनके लिए मैं यहाँ पर रिटर्न फाइल कर रहा हूँ उनका भी 07 है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर CGST और SGST में आएगी, मतलब हमें सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अब यहाँ पर हम एक इनवॉइस नंबर ले लेते हैं, 01 इनवॉइस नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, पर जिस महीने की सप्लाई है उसके अंडर में ही हमें यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर अभी 1st of July ले लेता हूँ। टोटल इनवॉइस वैल्यू, तो टोटल इनवॉइस वैल्यू अगर 100 रुपीज़ की सप्लाई है उस पर 18 का जीएसटी है, तो यहाँ पर 118 आपको एंटर करना है। आप वैल्यू नोट करते जाइएगा, बिल्कुल आसान है। इस पर 18 रुपये का जीएसटी है, इसका मतलब उसमें से 9 रुपीज़ CGST, 9 SGST, तो मैंने यहाँ पर एंटर करना है 100 रुपीज़, ठीक है। अब मेरी ये जो तीनों का टोटल है, ये प्लस ये प्लस ये इससे मैच होना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है, कभी फ्यूचर में कभी भी नोटिस आ सकता है कि आपकी वैल्यूज ही मैच नहीं है, तो हायर वैल्यू पे भी टैक्स कैलकुलेट कर देगा। अब ये मेरा रिकॉर्ड जो है वो सेव हो गया। अब ऐसे ही मुझे 1 by 1 करते जाना है। अगर एक ही पार्टी के हैं तो सिंगल सिंगल आते रहेंगे, फिर नेक्स्ट पार्टी का है तो इसी तरह से आप यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर एंटर करेंगे। अगर ये दूसरे स्टेट का होता,
एक इनवॉइस में अदर स्टेट का भी आपको ऐड करके दिखाता हूँ। हमारे यहाँ पर जो स्टेट कोड है 07 दिल्ली का है, और ये हमने 27 लिया है जो कि महाराष्ट्र का है। अब यहाँ पर हम वैल्यू एंटर करेंगे। एक इनवॉइस का नंबर हमने दे दिया था, अब दूसरा मैं इनवॉइस दे देता हूँ। डेट मैं कुछ भी रख लेता हूँ, यहाँ पर जुलाई में कोई भी डेट हम रख सकते हैं। टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर फिर से मैं 100 रुपीज़ का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर तो सेम वैल्यू एंटर करनी है, बट यहाँ पर जब मैं ये वैल्यू एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिगर IGST में आ जाएगी। देखिए ये वैल्यू खुद ही IGST बन गई है। तो बस यहाँ पर क्लिक करना है सेव रिकॉर्ड पर, और ये डाटा जो है हमारा सेव हो गया। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। अब चलते हैं नेक्स्ट टैब की तरफ। तो जितने भी इनवॉइस हैं सारे के सारे आपको ऐसे ही वन बाई वन एंटर करते जाना है, वो यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। जब मैं प्रोसेस पर क्लिक करूंगा तो भी मुझे डिटेल्ड वाइज समरी दिखाई देगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वहां से मैं टोटल वैल्यू भी वेरीफाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टैब की तरफ। तो नेक्स्ट टैब है हमारी 5A। इसमें क्या करना है, टैक्सेबल सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल एंटर करनी है, जो कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कोई भी इनवॉइस है। टोटल इनवॉइस की वैल्यू की बात हो रही है, टैक्सेबल वैल्यू की नहीं हो रही है। और जैसे मेरा स्टेट कोड यहाँ पर इस वाले SSC का 07 है, तो इसके अलावा जो दूसरे स्टेट कोड्स है, क्योंकि उन्हीं का यहाँ पर ऑप्शन आएगा सेलेक्ट करने का, तो एक एक स्टेट आप अलग अलग सेलेक्ट करेंगे, स्टेट वाइज आपको यहाँ पर वैल्यू देनी है। स्टेट में भी इनवॉइस वाइज इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे, डेट, टोटल वैल्यू, एंड देन उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो यहाँ पर आप लिख देंगे, जो भी टैक्सेबल आपका रेट है। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, डाटा आपका सेव हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टैब की तरफ। एक एक करके आपको इनवॉइस वाइज यहाँ पर ऐड करना है। तो पहले में GST इनवाइज ऐड करना है, अगले में इनवॉइस वाइज, और ये भी तब होगा जब अनरजिस्टर्ड पर्सन को सामान बेचेंगे दूसरे स्टेट में 2.5 लाख से ज्यादा का इनवॉइस होगा। अब यहाँ पर चलते हैं एक्सपोर्ट के लिए। तो एक्सपोर्ट के लिए स्पेशल पॉइंट नंबर 6 से दिया गया है। तो अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर सर्विस का एक्सपोर्ट हो या गुड्स का हो, दोनों के लिए सेम काम करेगा। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। अब इसके लिए मैंने दो वीडियो अलग से भी बनाई हुई है, एक LUT फाइल करने की और दूसरा एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर आप एक्टिविटी करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो उसके लिए GST रिटर्न कैसे फाइल होगी। बट मैं यहाँ पर थोड़ा कवरेज ले लेता हूँ। एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप जो सामान बेच रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो विद GST कर रहे हैं या विदाउट GST कर रहे हैं। अगर आपने LUT ले रखी है तो आप बिना GST लगाए भी इसको सामान भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, पोर्ट कोड, शिपिंग बिल, ये जो वैल्यू एंटर करनी है, ये आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में करनी है, सर्विस के केस में नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल इनवॉइस की वैल्यू INR में ही एंटर करनी है। इसमें वैल्यू जो है सारी INR में आपको लेनी है, इंडियन रुपीज में। अब यहाँ पर सेलेक्ट करना है विद पेमेंट या विदाउट पेमेंट। जब आप विदाउट पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर कोई टैक्स नहीं आएगा। जैसे सपोज कीजिए मैंने विदाउट पेमेंट यहाँ पर 1 लाख रुपए की सप्लाई करी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 लाख यहाँ पर मुझे देखना है कि वो जो सर्विस है उस पर रेट क्या है। मोस्टली सर्विस में केस में जो है रेट वो 18% रहता है। तो मैंने यहाँ पर 1 लाख वैल्यू एंटर कर ली, तो दोनों में 1 लाख आएगा। बट अगर मैं यहाँ पर विद पेमेंट ऑफ टैक्स लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जब मैंने विद पेमेंट ऑफ टैक्स कराया, तो जैसे मैं यहाँ पर 1 लाख एंटर करूंगा तो उसमें मुझे टैक्स भी ऑटोमेटिकली आएगा, और मुझे फिर यहाँ पर वैल्यू लेनी है 1,18,000, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू एंटर करनी है। इनवॉइस नंबर, डेट, ये सब आपके सीरीज में चलेंगे जो किसी अदर पार्टी के लिए है। अगर आप अलग से मेंटेन करना चाहते हैं अलग से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो हमने अपनी कौन कौन सी टेबल कवर कर लिया है, 4, 5, 6 हमने कवर कर लिया है। एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज के भी यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। जो ऐसी चैट के इनवॉइस है, अगर विद टैक्स पेमेंट आप कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, बट विदाउट पेमेंट कर रहे हैं तो फिर एक्सपोर्ट सेल में आपको उसको एंटर करने हैं। अब ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉलम है B2C अदर्स। तो इसमें कितना आसान कर दिया है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर जो वैल्यू, अब वो 2.5 लाख से कम हो, ज्यादा हो, यहाँ पर वो रूल अप्लाई नहीं है। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सामान बेचते हैं, चाहे लोकल सेल हो, मतलब 07 जैसे हमारा दिल्ली का स्टेट कोड है दिल्ली में हो, या फिर दूसरे स्टेट में हो, कहीं पर भी हो, तो आप क्या करिए, उस मंथ की, जैसे हम ये जुलाई मंथ की रिटर्न भर रहे हैं, तो जुलाई में यहाँ पर बिहार में आपने कितने रुपए का सामान 18% वाली वैल्यू का सेल किया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर केवल रेट वाइज वैल्यू एंटर करनी है। पहले मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया, अगर बिहार में आपने 18 वाला भी बेचा है, 12 वाला भी बेचा है, जैसे मैं 18 वाला पहले करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर ले लिया 18 वाला, तो मैं इसको यहाँ पर सेव कर दूंगा। अब जब मैं दूसरी एंट्री के लिए जाऊंगा, देखिए मुझे यहाँ पर है ना एंट्री बाहर दिखाई देगी, जब मैं दूसरी एंट्री के लिए जाऊंगा, जैसे यहाँ पर एंट्री दिख रही है, अब मुझे अगर दूसरी एंट्री करनी है, दूसरी एंट्री क्या कि बिहार में ही मैंने 12 वाला भी सेल किया है, तो एड रोड यहाँ पर एड रिकॉर्ड पर क्लिक किया, उसके बाद एड रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद बिहार सेलेक्ट करा, देन उसके बाद मैंने वैल्यू दोबारा से एंटर करी, देन उसके बाद अब की बार रेट मैंने 12 ले लिया। तो जितनी मल्टीप्लाई आप टाइम्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि
अगर रेट आपके मल्टीपल चल रहे हैं तो उतनी मल्टीप्लाई करके आपको ये रो ऐड करनी है, वन बाई वन करके मल्टीपल टाइम्स एक एक वैल्यू में ऐड करनी है पर्टिकुलर किसी भी स्टेट के लिए। तो पहले हो गया स्टेट वाइज वैल्यू, फिर देन उसके बाद रेट वाइज वैल्यू डालना टोटल ही है, एक महीने में जितनी सेल हुई है सारी एक साथ डाल दीजिए, कोई इसमें इनवॉइस का चक्कर नहीं है। ये सबसे मेन फील्ड्स थे तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब उसके बाद चलते हैं नियर रिलेटेड सप्लाई या फिर जिस पर रेट नहीं है या एग्जम्प्टेड है या जीरो रेटेड है, उनके लिए तीनों के लिए अलग अलग वैल्यू दी है, नियर रिलेटेड एग्जम्प्टेड नॉन जीएसटी सप्लाई। अब उसमें क्या है कि पहले इंट्रा स्टेट, इंट्रा माने लोकल, ध्यान से देखिएगा और लिख लीजिएगा, इंट्रा स्टेट मतलब लोकल सप्लाई टू एक रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप कोई भी नील रेटेड एग्जेम्प्टेड या नॉन जीएसटी सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आपको गलती से भी यहां पे एंटर नहीं करनी। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जीरो रेटेड वालों को भी नॉन जीएसटी वालों को सबको यहां पर एंटर कर दे रहे हैं, यहां पर कहीं पर भी एंटर कर दे रहे हैं, उनका बाद में टैक्स बन के नोटिस आ जाएगा, ऐसी गलती मत करना। तो नील रेटेड का जब स्पेसिफिक कॉलम है रजिस्टर्ड पर्सन को अनरजिस्टर्ड को दोनों के लिए आपको यहीं पर एंटर करनी है, ये लोकल के लिए है, उसके सामने रेस्पेक्टिव कॉलम में ही वैल्यू एंटर करनी है। इसके लिए स्पेसिफाइड अलग से एक वीडियो है, वहां पर जाकर आपको देखना पड़ेगा कि इनमें क्या डिफरेंस है और आपकी जो सर्विस या फिर गुड्स किस में कवर होते हैं। पहले दो कॉलम लोकल के लिए है, दूसरे इंटर स्टेट मतलब जब दूसरे स्टेट में सप्लाई आप कर रहे होंगे। रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हैं तो यहां पर एंटर करेंगे, अगर अनरजिस्टर्ड को कर रहे हैं तो यहां पर। अब आता है कि एक एक इनवॉइस नहीं, एक इनवॉइस नहीं डालना, फिर दोबारा से यहां पर टोटल ही एंटर करना है, एक महीने में इससे रिलेटेड जितनी सप्लाई करी है सबका टोटल कर लीजिए, आप कैलकुलेटर कर सकते हैं फिर एक्सेल में भी कर सकते हैं, पूरा एक साथ टोटल यहां पर एंटर कर दीजिए। अब मैं इसको बैक कर दे रहा हूं, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड यहां पर चलेंगे डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, तो ये वाली वैल्यू यहां पर क्रेडिट नोट्स आपको या डेबिट नोट्स आपको एंटर करने हैं। तो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी रिपीट किया है, क्रेडिट या डेबिट नोट्स जीएसटी के अंदर इसके जो राइट्स हैं केवल और केवल सेलर के पास है। अगर आप परचेज के लिए गलती से भी ये डेबिट या क्रेडिट नोट बना रहे हैं तो आज से बंद कर दीजिएगा, कोई फायदा नहीं है, उल्टा आप नॉन कंप्लायंस में जा रहे हैं। और अगर आपके पास कहीं से आ भी जाए तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा कि जी आप हमारे परचेजर हैं, आपके पास ये राइट ही नहीं है, डेबिट क्रेडिट नोट हम ही देंगे। ये कब कब देने होते हैं फिर से आपको चैनल पर जाकर वीडियो देखनी पड़ेगी, इसकी काफी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। चलिए क्या करना है, एड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है, एड रिकॉर्ड पर क्लिक कर दिया, रजिस्टर्ड पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ जीएसटी नंबर डालना जरूरी है, जीएसटी नंबर डालेंगे नेम खुद आ जाएगा, इस डेबिट क्रेडिट नोट का नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है, टाइप सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद उसकी टोटल वैल्यू, नोट की टोटल वैल्यू क्या है और कौन से, ये तो स्टेट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस की डिटेल्स आप एंटर कर सकते हैं, मल्टीपल इनवॉइस के लिए भी एक क्रेडिट नोट बना सकते हैं, अलाउड हो गया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, डेबिट क्रेडिट नोट यहाँ पर आपके आ जाएंगे। ये तो रहे रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, अगर अनरजिस्टर्ड के लिए करना हो तो क्या करना होगा, अनरजिस्टर्ड के लिए आपको 9B टेबल में जाना होगा, यहाँ पर फिर से क्योंकि जीएसटी नंबर नहीं है तो मैं स्टेट वाइज यहाँ पर लेकर चलूंगा, टोटल स्टेट वाइज मुझे देने हैं। एक्सपोर्ट के अलग से कहा इन्होंने, एक्सपोर्ट विद पेमेंट, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट, बाकी B2CL में आप ये एंटर कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट नोट का नंबर, उसकी डेट, टोटल वैल्यू, उसका टाइप क्या है, POS अब की बार आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि वहां पर तो जीएसटी नंबर एंटर करते खुद से आ रहा था, यहां पर आपको खुद से सेलेक्ट करना है। सेम स्टेट का आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सेम स्टेट का जैसे 07 है दिल्ली, तो इसका दिल्ली में आप नहीं कर सकते, इसी तरह से जो भी आपका जीएसटी नंबर होगा सेम स्टेट में आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई के लिए यहां पर ये डेबिट क्रेडिट नोट डालने की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो यहां पर वैल्यू आप यहां पर एंटर कर देंगे, देन उसके बाद सेव कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको ये वाली टेबल भी बता दी है, इसमें क्या क्या वैल्यू एंटर करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ, ये एडवांस जब आपके पास पेमेंट आती है उसके रिगार्डिंग है। पहले टैक्स लायबिलिटी के ऊपर हमने टैक्स दे दिया, देन उसके बाद एडजस्टमेंट करनी है, समझा देता हूँ दोबारा से एक बार फिर से। वैल्यू देनी है, स्टेट वाइज डिटेल देनी है, पहले POS सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, जैसे आसाम सेलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद यहाँ पर वैल्यू आप लिख दीजिए कि कहाँ से एडवांस आया है, किस रेट पे आया है, वो आपको वैल्यू के साथ टैक्स खुद से दे देगा, सेव कर देंगे। अब जब ये पेमेंट एडजस्ट करनी है नेक्स्ट मंथ में, उससे नेक्स्ट मंथ में जब भी आपका इनवॉइस बन जाए, फिर यहाँ पर आपको उसके एडजस्टमेंट की एंट्री डालनी है, वो भी स्टेट वाइज यहाँ पर देनी है। देखिए यहाँ पर ये स्टेट वाइज आ गई कि हमने अब इतना वैल्यू यहाँ पर एडजस्ट कर दी है, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो इसकी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि पार्टी के नाम पे इनवॉइस चढ़ जाएगा, उसके जो इनवॉइस जितने आपने बनाए हैं एडजस्टमेंट की डिटेल यहाँ से यहाँ पर आपने डाल दी, इससे आपने लिंक करके यहाँ पर डाल दी, बट उसके इनवॉइस आपको इनवॉइस में यहाँ पर ही एंटर करने हैं। नेक्स्ट टेबल है
HSN कोड का 12 सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी टेबल है। HSN कोड डालना मैंडेटरी हो गया, उसके लिए टर्नओवर का क्राइटेरिया है। यहाँ पर चैनल पर जाएंगे, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा, सी अपनी जैन के नाम से चैनल सर्च करेंगे मिल जाएगा कि कितने वैल्यू तक, ये टर्नओवर के क्राइटेरिया के बेस पे है, कितने वैल्यू तक 4 डिजिट का लेना है, 6 का लेना है, 8 का लेना है, वो वैल्यू यहाँ पर आप एंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ से आपको प्रोडक्ट मास्टर में से वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मुझे इसकी यूनिट लेनी है कि बॉक्स में सामान बेचा है, किस में बेचा है, मैंने ये ले लिया। देन उसके बाद यहाँ टोटल क्वांटिटी, तो अब मैं यहाँ पर बता दूं कि किसी भी पर्टिकुलर मंथ में आपके इस HSN कोड पर, जैसे अभी यहाँ पर जुलाई के लिए हम बात कर रहे हैं, जुलाई के लिए जो भी यहाँ पर आ रही है उसकी टोटल क्वांटिटी, सारे इनवॉइस की मिलाकर, सारे पार्टी को मिलाकर, सारे वैल्यू को मिलाकर, वो किसी भी स्टेट की हो, यहाँ पर एंटर करनी है उनकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू। फिर उसके बाद रेट सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगी। जैसे मैंने रेट ले लिया, तो जैसे वहाँ पर इनवॉइस के टाइम पर आती है, यहाँ पर आपको टोटल करके मैनुअली एंटर करना पड़ेगा। ऐड पर क्लिक कीजिएगा, सेव कर दीजिएगा, मैंडेटरी है। अगर इसके बिना रिटर्न फाइल कर रहे हो तो रिटर्न इनकम्प्लीट है, नोटिस जो है 100% आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 6 साल तक का टाइम है, 17-18 के नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं। अगला है डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंटेशन में अलग अलग टैब यहां पर दी गई है, यहां पर आप पढ़ लीजिए 1, 2, 3, 4 करके अलग अलग 12 तक के नंबर के आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। कहाँ से कहाँ तक इस महीने में आपने, जैसे 50 से लेके 75 तक किए तो टोटल 25 हो गए, उसमें से कितने कैंसिल है, नेट वैल्यू खुद से यहाँ पर आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर अभी एंटर करता हूँ, ठीक है, इसमें से सपोज करें 4 कैंसिल हो गए तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। नीचे सेव पर क्लिक कर देना है, वैल्यू सेव हो जाएगी, ठीक है, कुछ नहीं करना है, डाटा ऑटोमेटिकली सेव हो तो चलेगा। अब ये जो जो हमने डाटा भरा है, मैं अब कुछ नहीं करना, उसके बाद जनरेट समरी पर क्लिक करना है, ईवीसी से वेरीफाई करके सबमिट करूंगा। पर एक बार ये भी बता देता हूँ, देखिए यहाँ ध्यान से सुनिएगा, अमेंड रिकॉर्ड में अमेंड B2B इनवॉइस, ये टेबल इससे लिंक है, इस वाली टेबल से ये टेबल लिंक है। यहाँ पर एंटर करेंगे तो जो आपने 21-22 में या 22-23 में, केवल 2 सालों का यहाँ पर टाइम आता है, 21-22 के भी आप इनवॉइस कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर एंटर करिएगा, सेम वही नंबर जो कि आपने ओरिजिनल रिटर्न में एंटर किया था, डाटा आ जाएगा यहाँ पर खुल के, उसको अमेंड कर सकते हैं अमेंड पर क्लिक करके, ठीक है। अब ये नेक्स्ट, उसके बाद जो अगली टेबल है अमेंड B2C लार्ज, ये 5 से लिंक है, 5A से। देन उसके बाद 9A, ये एक्सपोर्ट के लिए यानी कि 6 से लिंक है, इस पर भी बिल्कुल उसी तरह से चलेगा, इनवॉइस का नंबर एंटर करना पड़ेगा। बट इस वाले में जो ये टोटल सप्लाई वाला है, इसमें यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था, इसमें इनवॉइस नंबर एंटर यहाँ पर 1x1 करके आप एंटर करेंगे, तभी इसमें ट्रैक हो पाएगा कि कौन से इनवॉइस पे आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, करना है या करना है आपको। नेक्स्ट में यहाँ पर जब मैं बात करूँगा इस वाली टेबल की, देखिए अभी ये 2 टेबल रह गई है, अभी इनको होल्ड कर लेते हैं। ये वाली जो टेबल है, टेबल नंबर 10, ये 7 से लिंक है। यहाँ पर आपको स्टेट वाइज देनी है डिटेल्स कि आप किस स्टेट की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, कौन से महीने, जैसे जून में अगर कोई सप्लाई हुई है तभी तो आप चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद पता लग जाएगा अगर कोई हुई है। वैसे इस केस में है नहीं, तो यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, नो रिकॉर्ड लिखा हुआ आएगा कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, मंथ वाइज आपको लेना है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे जो अगली हमारी जो टेबल रह गई थी, टेबल नंबर यहाँ पर बात करें जो 9C है, वो है जो डेबिट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन को हमने दिए थे, इसका मतलब ये वाला 9B से लिंक है। अब ये यहाँ पर पता नहीं क्या सोच के इन्होंने नंबर रखे हैं इस तरह से, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट करते जाइए, ये जो क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड वाले हैं उससे ये वाली वैल्यू लिंक है, अनरजिस्टर्ड 9B से ये वाली वैल्यू लिंक है। अमेंडमेंट क्रेडिट या डेबिट नोट, मतलब आपने पहले क्रेडिट या डेबिट नोट दिए थे अनरजिस्टर्ड पर्सन को, आप उसे अमेंड करना चाहते हैं, टाइम लिमिट वही लगेगी 2 साल वाली। जैसे अभी हम 22-23 की बात करें तो उसमें 21-22 के कर सकते हैं, 22-23 के कर सकते हैं। अब यहाँ पर है एडवांस, ये दोनों टेबल बिल्कुल सही दी हैं, इस वाली से लिंक है, टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव, इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो आप, बट लेकिन वो POS जो है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई, कि कौन से प्लेस के लिए आप ये अमेंड करना चाहते हैं। अब यहां पर इनवॉइस नंबर का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, अमेंडमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, ये एडवांस की एडजस्टमेंट के लिए ये बिल्कुल सही जगह पे टेबल दी है। अब ये जो 2 टेबल है ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि 7 के साथ इनको यहाँ पर लिंक करना चाहिए था 7 के साथ ही, बट ठीक है, वो पोर्टल में ऑटोमेटिकली इस तरह से बनाया गया, तो मैंने टैब आपको बता दिए हैं। इनवॉइसिंग के लिए हिस्ट्री का मैंने बता दिया था। अब यहाँ पर जनरेट समरी पर क्लिक करते हैं, सेकेंडो मिनटों में आपकी रिटर्न सबमिट होने वाली है, प्रोसीड टू फाइल समरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये बिल्कुल लेटेस्ट चेंज है कि यहाँ पर ये वैल्यू दिखती है, ये बिल्कुल नया चेंज आया था लास्ट
लास्ट मंथ में ही कि जितने वैल्यू आपने एंटर किया है उनके टोटल वाइज भी आपको दिखाई देंगे, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो रिसिपिएंट वाइज भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि किस रिसिपिएंट का कितनी वैल्यू में यहाँ पर आपने सामान बेचा है, मतलब बिल बाय बिल आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो भी रिसिपिएंट है उनकी वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट के इनवॉइस भी इसी तरह से वन बाई वन दिखाई देंगे, तो पूरी समरी डाटा यहाँ पर आ गई है। पीडीएफ में डाउनलोड करके एक बार वेरीफाई भी कर लीजिएगा प्रिंट आउट निकाल के। बाकी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे, देन फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करके वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ईवीसी जनरेट करके वेरीफाई करते ही रिटर्न सबमिट। ठीक है, तो इसको करने में आपके पास सारा डाटा अगर अवेलेबल है तो उसको करने में आपको 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर केस में देखा जाता है कि आपके इनवॉइस जो है नंबर ऑफ 25 या 50 से कम होंगे। अगर इनवॉइस की वैल्यू ज़्यादा है तो फिर उसके लिए आप ऑनलाइन जो ऑफलाइन वाला तरीका है वो फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन के तरीके में बिल्कुल आसान और सबसे ईजी तरीका मैंने आपको बता दिया विद लेटेस्ट चेंजेस। इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है, बाकी चैनल पर काफी सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, सीए पुनीत जैन के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो सेक्शन में चेक कर सकते हैं। वीडियो में काफी सारे अलग अलग मिलेंगे, आईटीआर से रिलेटेड मतलब इनकम टैक्स की भी वैल्यूज यहाँ पर एंटर हुई है, और जीएसटी की भी, कुछ बेसिक रजिस्ट्रेशन पार्ट को भी मैंने कवर किया हुआ है, कंपनी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। प्लेलिस्ट में जाकर आप स्पेसिफिक जो भी आपके पर्पज के लिए बेस्ट वीडियो है वो देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।